सुबह से शाम तक काम करते हो, मेहनत करते हो, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, परेशान हो, जीवन में क्या तरक्की आई है, नहीं आई है, इन सबको देखते हुए अपना वोट दो। जो नेता है आपके सामने उसकी नियत समझो, जो पार्टी घोषणा कर रही है उसका रिकॉर्ड देखो, अच्छा ये घोषणा कर रहे हैं इनके दूसरे प्रदेशों में देखो क्या हो रहा है। मैं कह रही हूं अगर यहां पे 4,000 रुपए मिलेगा तेंदुपत्ता के लिए तो देखो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, अगर धान की कीमत बढ़ाई जाएगी तो देखो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आज मिल रही है पूरे देश में। तो ये सब बातें देखिए, मेरा मानना है कि जनता से ज्यादा किसी में विवेक नहीं है, मेरा मानना है। और मैं कोई कुछ भी कह ले, मैं जानती हूं कि आप में विवेक है, सबसे ज्यादा अनुभव है और आप सच्चाई को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर आज तक मेरी दादी इंदिरा जी को आप याद करते हैं, उनको माता कहते हैं कि इसलिए क्योंकि आपने सच्चाई को पहचाना, आपने सही नियत को पहचाना, जो आपके लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार था उसको आपने देखा, आपने उन्हें आगे बढ़ाया, उन्होंने आपको आगे बढ़ाया। यही रिश्ता होना चाहिए नेता और जनता में, आप में और हम में।